तो आज मुझे सारे के सारे काम निपटाने अपने जितने भी हैं, और आज बहुत सारे काम करने वाले, बस के अंदर भी पंजाबी, बस के बाहर भी पंजाबी, बस चलाने वाला भी पंजाबी, बस के ऊपर जो पोस्टर लगा उसको भी पंजाबी, साइडों में मेरा काम हुआ नहीं बिकॉज ये डब्बा ले लिया मैंने प्रोटीन का, उनकी कोशिश के कुछ आंसर देने पड़ेंगे तो मेरा कार्ड एक्टिवेट होगा भाई। हिंदी में ट्राई कर, हिंदी में बोलेंगे ट्राई कर। तो हम उस दिन गए थे वेलकम टू द व्लॉग नंबर 6। ये व्लॉग वहीं से शुरू होगा जहाँ से पिछला वाला खत्म हुआ था। पिछले व्लॉग के एंड में मैं गया था स्विमिंग, तो ये अगला दिन ही है और कल तो कुछ हुआ नहीं बिकॉज कल मैं बहुत थक गया था। तो आज मुझे सारे के सारे काम निपटाने अपने जितने भी हैं, और आज बहुत सारे काम हैं करने वाले। पहले तो मुझे फाइडो जाना है, फाइडो जो मेरा सिम प्रोवाइडर जो है, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके अपनी सिम एक्टिवेट करवाऊँगा जो मैंने बंद करवाई थी कनाडा छोड़ने से पहले जब मैं इंडिया गया था अभी। और उसके बाद पहले सिम एक्टिवेट करवाऊँगा एंड देन मैं जाऊँगा CIBC वो नंबर फिर से स्टार्ट करवाने के लिए, लाइक वही नंबर अपने अकाउंट से जुड़वाने के लिए। उसके बाद अब मुझे जाना है रिज्यूमे बांटने स्टोर्स के अंदर, मोस्टली सब्वे, बिकॉज मैं पहले सब्वे में काम करता था, तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू फाइंड अ जॉब देयर। तो मैं रास्ते में ब्रैम्पटन दिखाता हूँ जितना भी आता है, तो मैं घर से निकला ही हूँ बस। अभी क्रिकेट ही चल रहा है, फक नाइस। So this is what the store looks like. तो भाई साइड पे मेरा काम हुआ नहीं बिकॉज मेरे को अपेरेंटली मेरा स्टडी परमिट भी चाहिए था। आई थॉट मेरा BCID क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट इनफ होगा, बट इन्होंने बोला कि स्टडी परमिट भी चाहिए बिकॉज एक फॉरन ID चाहिए जो मेरा पासपोर्ट है, और एक लोकल ID चाहिए होगी मेरी, बट BCID डजेंट वर्क है। ABC गया था लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा जो भी काम है डेबिट कार्ड से होगा। तो अब मैं इन दोनों के बीच में, फाइड और CIBC के बीच में घूमने के बजाय मैं घर गया, और मैं घर जाके अपना स्टडी परमिट ही ले आया। तो अभी मैं स्टडी परमिट लेके अभी मैं फाइड के ऑफिस जा रहा हूँ वापस, जो अभी पहुँच ही गया मैं, वैसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। इस बार मैं दूसरे ऑफिस में आऊँगी इसी बिकॉज ये घर के दूर था, लेकिन मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ रहा था। वो वाला सिर्फ एक बस लेनी थी, लेकिन अगेन वो 2 किलोमीटर था चल के वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन इसमें 2 बसें लेनी है, लेकिन ये चल के बहुत पास है, चल के सिर्फ आई थिंक 4 मिनट की वॉक है। तो अभी मैं इस वाले फ्राइडे ऑफिस में आया, लेकिन इस बार मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे हैं, तो फाइनली मेरी सिम मुझे मिल जाएगी। उसके बाद मैं जाऊँगा अपना CIBC अपना नंबर चेंज कराने के लिए जो मेरे अकाउंट से एसोसिएटेड है। उसके बाद फिर मैं अपना लैपटॉप का काम, मुझे लैपटॉप ठीक करने के लिए देना अपना, मैं वो दूंगा। फिर जिम देख कर आना है, बहुत सारे काम है। तो भाई मैंने अपना प्लान ले लिया है जो फ्राइडे का था, और इट्स फॉर $39 प्लस मैंने $3 ऐसे ही लगवा लिए बिकॉज उसमें 1000 मिनट्स जो होते हैं इंटरनेशनल कॉल के वो फ्री होते हैं, तो अगर कभी नेट नहीं चल रहा हो तो घर पे कॉल करनी होगी तो मैं नॉर्मल फ़ोन कर लूँगा वहाँ पे। उसके $3 एक्स्ट्रा थे, लेकिन उसका मुझे डिस्काउंट ही मिला बिकॉज मैंने ऑटो पेमेंट सेट करवा दिया उनसे। तो आई एम गोना पे $42 पर मंथ फॉर द होल प्लान। बाकी यहाँ से फ़ोन भी फाइनेंस करना काफ़ी आसान है, जो किसी और वीडियो का टॉपिक होगा आगे किसी ब्लॉग का, मैं फ़ोन भी लेने वाला हूँ यहाँ, इससे ब्लॉगिंग ढंग से होती नहीं है। तो अभी मैं CIBC जा रहा हूँ इस नए नंबर को, क्योंकि मुझे पुराना नंबर मिला नहीं बिकॉज मैंने वो स्टॉप मैंने कैंसिल करवा दिया था नंबर को, तो मेरा नया अकाउंट बना एंड मेरे को नंबर भी नया मिला, पुराना नंबर अवेलेबल नहीं था। तो अभी जो मैंने नंबर अटैच करवाना था वो मैंने करवा लिया है, बट अभी मैं जा रहा हूँ अपने रिज्यूमे निकलवाने के लिए जो मुझे जॉब्स के लिए देने हैं। सामने तुम्हें पीछे दिख रहा होगा स्टेपल्स लाल कलर का बोर्ड जो है, वहीं जा रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं अपने लगभग 10 रिज्यूमे निकलवाऊँगा, क्योंकि अभी जॉब्स की काफ़ी कमी चल रही है कनाडा में। तो आई विल मेक श्योर कि मैं कम से कम 6-7 सब बेस के अंदर अपना रिज्यूमे दूँ, एंड बेल फाइडो इन सब में देने की सोच रहा हूँ मैं, बिकॉज दे हायर फॉर सेल्स एसोसिएट। इनका काम काफ़ी आसान होता है एंड पे भी ठीक होती है, कमीशन भी ठीक होती है। तो सेल्स एसोसिएट के लिए भी आई विल रिकमेंड यू काम करना। फूड कोर्ट्स इतने कुछ खास नहीं होते काम करने के लिए बिकॉज अगर बिजी हो जाता है तो वर्कर्स की हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते, बिकॉज और कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें खुद स्टोर खाली करना है। लेकिन सेल्स एसोसिएट जो होते हैं उनका काम इतना मुश्किल नहीं होता, इतना फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो लाइक शायद लुकिंग फॉर एन ईजी जॉब
तो सेल्स एसोसिएट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड. दिस इज स्टेपल्स मेंटल. मुझे प्रिंट आउट निकलवाना तो मस्त रहो जाऊंगा सीधा. तो मैंने प्रिंट आउट जो थे निकलवा लिए और मैंने 3 सबवेज पे दे भी दिए थे. दिए नहीं है मतलब मैं पूछ कर आया था कि भाई तुम हायर कर रहे हो कि नहीं. एंड इट्स ट्रू कनाडा में जॉब्स की कमी है. नोबडी इज हायरिंग क्योंकि रिसेशन आ रखा है इस टाइम पे. तो कोई भी कंपनी ज़रा हायर करने एजेंट क्योंकि समर है. तो सारे जो वर्कर थे वो फुल टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं जितने स्टूडेंट थे. तो क्योंकि वो फुल टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं तो नई जॉब्स मिल ही नहीं रही हैं. तो बट यू कैन स्टिल गेट अ जॉब. देर आर वेज टू गेट द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर. तो वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है. नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ये बताने वाला हूँ कि लाइक हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा इन 2023. तो मुझे अभी भी दोस्तों की कॉल आई है एंड अभी वो सारे पूल खेलने जा रहे हैं. तो चलो फिर मेरे को उसने इंटरसेक्शन में बुलाया है. मैं वहाँ जा रहा हूँ एंड फिर जाते हैं पूल खेलने. हम पहुँच गए हैं पूल वाली जगह पे. मार दे ड्राइवर. बढ़िया भाई. बढ़िया बढ़िया भाई. क्या खेलते हो भाई? सबसे बढ़िया यही खेलता है यार. तो अभी खाने के लिए आ गए हम यहाँ पे. और खाने को क्या क्या है यहाँ पे? बटर चिकन भाई. खाना खा लिया हमने. और भाई साहब मरने वाली हालत हो रही है मेरी. सुबह से घूम रहा हूँ मैं. ये भाई भाई भाइयों का प्यार. मेरे से भी गले मिलो यार. देख सही ही गल, मजाक नहीं मैं करना. सच्ची ऊपर जे करनी है तो सच्ची मजाक नहीं भरा. सही गल है. जे तुम टोरंटो जाना डाउन टाउन सिर्फ 2 दिन ऊबर करो. मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟੇਕ ਉਬਰ. ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ ਮਨਾਲੀ. ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ. ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ. ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੇ. ਟਰਾਈ ਕਰ. ਤੋ ਹਮ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਥੇ. ਤੋ ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ. ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦਾ 117 124 ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਦਾ ਸੀ. 117 ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਹੁਣ ਦੇਖ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪੇ ਕਿੰਨੀ $30 ਬਣ ਜਾਣੀ. ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ. ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬੋਲ. ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬੋਲ ਭਾਈ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ. ਸੌਰੀ. ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਨ ਸੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਕੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸਲ ਚ. ਇਧਰ ਨਾ ਯਾਰ ਬਾਲਾ ਬਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੀ ਤੂੰ ਚੱਲੇ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਲੀ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ. मैं बिस्कुट खा के टी पी के पार्क में गया था. वहां मैंने कोलगेट करी. कोलगेट करी. चल भाई बाय बाय. और भाई असि तो ना रह गए हुन. पास्ता बोलना सर. तो भाई ये है एयर फ्रायर. ये मतलब बिना ऑयल के फ्राई करने के लिए. बिना ऑयल के फ्राई करने के लिए. बिना ऑयल के फ्राई करने के लिए. वॉलमार्ट के लिए प्रोटीन का डब्बा लेने के लिए अपना. बस जिम शुरू करना है यहाँ पे कल से, आज से. तो अभी प्रोटीन लेने जा रहा हूँ. अभी ग्रोसरी लेने नहीं जा रहा बिकॉज टाइम नहीं है और मन भी नहीं है ग्रोसरी लेने का. सिर्फ डब्बा उठाऊंगा प्रोटीन का और निकल लूँगा वहाँ से. कनाडा में शनि बाज़ार और मंगल बाज़ार नहीं लगता यहाँ पे. यहाँ पे सब वॉलमार्ट से मिलता है. तो तुम्हें जो से भी ग्रोसरी चाहिए वो सब वॉलमार्ट से मिलेगी. ये रहा वॉलमार्ट. यहाँ का वॉलमार्ट. तो भाई मैं लेने आया था यहाँ पे प्रोटीन, लेकिन मुझे प्रोटीन बार्स भी दिख रही हैं. तो प्रोटीन बार्स भी ले लेते हैं कोई ढंग की मिलती है तो. इसमें कितना प्रोटीन है? इसमें है सिर्फ 2 ग्राम. नहीं, हाँ इसमें 9 ग्राम प्रोटीन है. ये भी नहीं चाहिए.
इसमें 20 ग्राम वाला प्रोटीन की होती है यार, इसमें 20 ग्राम होता है, वो मिल जाए ना तो काम हो जाएगा। इसमें देखें इसमें कितनी है, 3 ग्राम। देखो और चक्कर मार लेते हैं, इसमें है 1 ग्राम। वाह ये बढ़िया है, तभी आधा कैनेडा मोटा हो रखा है, साले चॉकलेट ही खाते रहते हैं हर टाइम। भाई ये डब्बा ले लिया मैंने प्रोटीन का, ये पड़ा है मुझे, कितने का पड़ा ये, $54 का, 62 का पड़ा मुझे ये। और इसमें है कितना, 30 ग्राम प्रोटीन है इसके एक स्कूप के अंदर, परफेक्ट। मैंने प्रोटीन का डब्बा ले लिया, मुझे $62 का पड़ा, एंड इनके पास एक कार्ड का ऑफर चल रहा था जो मुझे $45 ऑफ कर देता, $45, बट वो कार्ड अप्रूव हुआ नहीं बिकॉज मैं अभी बीच से मूव किया हूँ, तो मुझे कॉल करके कार्ड एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस उनसे, उनके क्वेश्चंस के कुछ आंसर देने पड़ेंगे तो मेरा कार्ड एक्टिवेट हुआ। बट अभी के लिए मैंने खरीद लिया, एंड मैं जब नेक्स्ट ग्रॉसरी लेने आऊँगा उससे पहले मैं कार्ड एक्टिवेट करवाऊँगा। तो अगर तुम वॉलमार्ट आते हो यहाँ पे आने के बाद तो वही कार्ड जो मैं एक्टिवेट करवाना चाह रहा हूँ वो करवा लेना, तुम्हें पेमेंट के टाइम पे ऑप्शन आएगा कि तुम कार्ड लेना चाहते हो कि नहीं, तो तब कार्ड के लिए हाँ बोल देना, किसी को बुला के पूछ लेना कि कार्ड कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह। हेलो गाइस, अरे नहीं शुरू हो चुका है वाला, पहले बना चुका हूँ मैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, अबे मत बोल यार ऐसे यार, गाड़ी वाले पापा ने मना किया भाई तू डाल देगा। अरे नहीं डालूंगा मैं, क्या बात कर रहा है, मैंने खुद काट ली थी अपनी। तो भाई अभी हम जा रहे हैं टोरंटो, क्या नाम है, मिसिसागा में सेंट लॉरेंस करके एक बीच है, बीच पता नहीं पार्क का क्या है, वहाँ जाते हैं अभी। पोर्ट है तो पोर्ट पे जाएंगे, पोर्ट पे कुछ करते हैं, कुछ डुबकी उबकी लगाते हैं पानी में, लेते हैं ब्रैम्पटन से। सोच गया कि चलो भाई ये रहा सामने दिख रहा है मैप के अंदर, कोई बात नहीं चल लेते हैं, लेकिन साला 2 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं, दूर है भाई ब्रैम्पटन से मिसिसागा और टोरंटो बहुत दूर है। तो अगर तुम यहाँ पे आके सोच रहे हो कि ब्रैम्पटन में जॉब नहीं मिलेगी तो मिसिसागा में मिल जाएगी या फिर टोरंटो में मिल जाएगी, ना दूर है भाई, दोनों बहुत दूर है, बस से 1.5 घंटा तक ट्रैवल करने में। तो अगर तुम काम करने में अलग से 3 घंटे दे सकते हो ट्रैवल को तो सोच लो। तो भाई हम पहुंच गए हैं समुंदर, समुंदर समुंदर, हाँ जो भी है, वाह कितना सुंदर है, रमनीत क्यों आ रहा है बीच में यार। जापानीज गेट लग रहा है तो देखने में कुछ, भाई ये लेक, ये ऐसी लेक्स में भी मतलब बतख तैरती है, मुझे लगता था सिर्फ पॉन्ड्स में रहती है मे भी, ये तो लिटरली समुंदर ही है यार। मुझे फैक्ट पता चला है, ये इतनी बड़ी सिर्फ लेक ही है यार, हैं भाई लेक इतनी बड़ी नहीं होती यार, लिटरली उसका छोर भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे खत्म हो रही है भाई, बहुत बढ़िया है। तो भाई लेक बहुत बढ़िया है, ये लाइक ऑन्टेरियो लेक बोलते हैं इसको, और फकिंग बिग, रियली रियली बिग। क्या बोल रहा है, डुबकी मार गया है, डुबकी मार गया हूँ, पहले गंगा थोड़ी ना है, गंगा नदी ये भाई साहब टोरंटो हरिद्वार भेजा घर वालों ने, तेरी शक्ल लूंगा। तो भाई हमने ऑर्डर किया है, अभी हम लजीज शॉर्मा पे आ रखे हैं, हमने ये तुमने देखा है ये लाल वाले मेन्यू पे हमने ऑर्डर किया है, रॉक्स एंड सिक्स के अंदर सेकंड लास्ट नीचे से, चिकन हाफ हाफ फ्राइज हाफ राइस, और ये इसमें हाफ फ्रेंच फ्राइज हैं, हाफ इसमें राइस है और हाफ इसमें चिकन है, तो फकिंग टेस्ट गुड। बट इंडिया में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, काफ़ी शॉकिंग चीज़ आई कि इंडिया में देखने को नहीं मिला ऐसा कुछ, कि भाई साहब का आइडिया था लेकर आने का यहाँ पे। तो मैंने शॉर्मा खा लिया है, रेगुलर साइज 2 लोगों के लिए बहुत, अभी मेरा पेट भर चुका है इस टाइम पे, कुछ जगह नहीं खाने की। अभी हम इसके घर जा रहे हैं, इसने राजमा चावल बनाए हैं तो उसके राजमा चावल ख़त्म करूँगा थोड़े से मैं इसके घर जाके, बाकी अभी बस के स्टॉप 3 बसें चेंज करनी है हमको यहाँ से जाते जाते, लगभग 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचते पहुँचते, फिर खाना खा के देखते हैं जिम के लिए निकलते हैं फिर। बस में बैठ गए हैं,
घंटे का रास्ता है यहाँ से भी, और पीछे तुम देख सकते हो सुंदर सुंदर कनाडा है, सुंदर सुंदर लोग भी हैं बस के अंदर। तो भाई इस बटन को दबाने के बाद वो सामने दिख रहा है जो हाथ है उस पर चलने का निशान आ जाता है वाइट कलर का। अभी बस बाहर निकल ही गए थे हम, आगे निकल ही गए थे स्टॉप से, लेकिन बस ने बस वाले ने आगे वाला गेट ही खोल दिया। भाई साहब इसको आ रहा है क्यों डरा रहा है? ये मुझे मारने आया था मुझे लग रहा है। चलो भाई ये हो गया, तो चलने वाला हो गया। अगर ये वाइट हो जाए उसके बाद तो तुम आंखें बंद करके निकलो यहाँ से, कोई तुम्हें ठोक नहीं सकता। अगर इसने तुम्हें ठोका तो साले पर डाल देना 2 मिलियन का केस। करण भाई मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई ठोक जाए। यहाँ कोई बस स्टॉप ही नहीं है। अबे है दो घंटे की बस ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं इस भाई साहब के घर। अभी हम जल्दी से पहले खाना खाएंगे और फिर हम जाएंगे इसके घर से सीधा जिम को, फिर जिम करके मैं निकल जाऊंगा सीधा अपने घर। तो अबे यार फक, अबे नहीं यार तेरे घर नहीं जा सकते भाई, तेरे घर से तो बस ही नहीं है, मतलब जिम तेरे जिम से तो बस ही नहीं है। दो बसें चेंज, तीन बसें चेंज करनी पड़ेंगी मेरे को, मतलब 3 बसें लेनी पड़ेंगी ना तेरे वाले जिम से। तो 2-3 है भाई, पहले एक पहले ड्राइव 5 नंबर 1-2 नंबर मेरे जिम से ना, 5 और 2। तो भाई जैसे तुम देख सकते हो बसेस का बहुत स्ट्रगल है ब्रैम्पटन में दीदी। यहाँ पे तो सारा आता डैम बस है, जाता डैम की बस ही नहीं है कोई, जाता डैम का रास्ता ही नहीं है। तेनू पता दिस इज ब्रैम्पटन। तो भाई इसके घर पे आ गया हूँ और भाई साहब क्या राजमा चावल है, मतलब खाया नहीं मैंने अब तक लेकिन क्या स्मेल है भाई। मैं तो इंडिया से सीख कर आया था यहाँ, मतलब शुरू से शौक है कुकिंग का, शुरू से आती है। चलो भाई फिर मतलब ये हम तो फिर काफ़ी, हाँ हम तो भाई बस बना बना खाने के लिए पैदा हुए हैं किस दुनिया में, ये भाई साहब बनाने के लिए पैदा हुए। खाते हैं भाई, लाइव रिएक्शन देता हूँ तुमको खाते हुए कैसे है। देखने में ठीक लग रहे हैं कि असली में है भी। हाँ ठीक है, वाह मम्मी याद आ गई, वाह मम्मी याद आ गई। पहले दिन जिम जा रहा हूँ मैं, आज पहला दिन है जिम का और देखते देख कर आता हूँ कैसा फिटनेस फिट वगैरह का। तो बढ़िया था यहाँ का आयरन लो कैसा सा है, ऐसा फोटोज में था उस हिसाब से तो छोटा ही लगा मुझे काफी। तो भाई हम टॉकिंग अबाउट द ब्रैम्पटन, यहाँ पे जो बेस्ट जिम जो है स्टूडेंट्स के लिए अगर तुम्हें पैसे बचाने हैं एंड क्वालिटी वाइज भी, यहाँ पे 2 जिम्स हैं कि फिट फॉर लेस और एक है प्लैनेट फिटनेस। जो फिट फॉर लेस है उसकी भी एक एनुअल फीस होती है जो साल में एक बार लेते हैं, और शुरू में जब तुम ज्वाइन करते हो $50 होती है वो, उसके बाद तुम हर महीने $25 देते हो अपने उसको फिट फॉर लेस को। प्लैनेट फिटनेस का भी एकदम सेम टू सेम फीस है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारी महीने की फीस एक साथ जाती है, फिट फॉर लेस में महीने में 2 बार जाती है, हर 15 दिन में एक बार $12 एंड प्लैनेट फिटनेस में $25 एक साथ चली जाती है। मैं पर्सनली यही 2 जिम रिकमेंड करूँगा, प्लैनेट फिटनेस में अभी तक गया नहीं हूँ एक बार भी, लेकिन फिट फॉर लेस यहाँ के काफ़ी बेकार से हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है फिट फॉर लेस का, तो मैं फिट फॉर लेस ही जा रहा हूँ। सही, यहाँ के जिम्स डेफिनेटली बेटर होते हैं, जितने भी जिम हैं सारे के सारे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं होता जैसे कि छोटे छोटे जिम्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे जिम्स कम है लेकिन जिम बहुत बड़े हैं, वो एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको एकोमोडेट करने के लिए बहुत होते हैं। कल तो भाई पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात, तो आज मौसम काफ़ी ठंडा है। एंड अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बैंक का क्या सीन रहता है यहाँ पे। तुम जिस दिन यहाँ पे आए हो ट्राई करना कि उसी दिन पहले दिन ही अपने बैंक के सारे काम निपटा दो, अपने GIC के डॉक्यूमेंट, अपना अपना पासपोर्ट, अपना स्टडी परमिट, तीनों चीज़ें लेके जाना बैंक। ये मत सोचना कि GIC डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट हो गया चलो कोई बात नहीं चल रहे थे इतना काम हो जाएगा, नहीं सारे डॉक्यूमेंट लेके ही घूमो। जो सारे सपोज तुम पहले दिन यहाँ पर आ रहे हो, तुम बस में ट्रैवल करने वाले हो, तो बस में पहले फिर बैंक जाओगे, फिर घर आओगे, फिर वापस बैंक जाओगे, इससे बढ़िया सारा काम एक बार में निपटा कर ही आओ। पहले सिम लेने जाना, सिम करवा के अपना बैंक जाना, बैंक से आने के बाद अपने बाकी काम निपटाना, अपने कॉलेज जाना या फिर जहाँ भी तुम्हें जाना है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम कॉलेज तुम्हारा लगभग 15 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो तुम कॉलेज जाके एक नज़र मार कर आओ कॉलेज पे कि उसका कैंपस कैसा है। अगर पहले दिन तुम्हारी क्लास और तुम ऑन टाइम हो
तो तुम्हारी क्लास मिस ना हो बस। यहाँ पे जितने स्टोर्स हैं सब में जाके पूछ लिया कि जॉब ये ऑफर कर रहे हैं कि नहीं, आर दे हायरिंग और नॉट, एंड सब ने ना बोला है, कोई भी हायर नहीं कर रहा इस टाइम पे समर में, जो काफ़ी वेट है बिकॉज समर के अंदर ही बिजनेस लाइक ज़्यादा ग्रो करते हैं, राइट। और ये रहे यहाँ के प्लाजा, यहाँ पे मॉल नहीं होते लाइक बहुत बड़े, एक जैसे काफ़ी सारे स्टोर्स एक ही जगह पर होते हैं तो उसको प्लाजा बोलते हैं, एंड अगर ये प्लाजा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको फिर मॉल बोलते हैं। तो दिस इज़ ट्रिनिटी मॉल राइट हियर, सामने अगर तुम देखोगे तो सिल्वर सिटी करके एक जगह है, ये बेसिकली सिनेमा हॉल है, और पीछे भी सारा स्टोर्स ही स्टोर्स हैं यहाँ पे, एंड बसेस के स्टॉप भी बहुत सारे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो बैंक्स जो हैं वो तीन तरीके के हैं, तीन बैंक्स हैं, एक CIBC, स्कॉशिया बैंक एंड RBC एंड TD ट्रस्ट भी है, TD कैनेडा, बट मैंने मोस्टली यहाँ पे सबको स्कॉशिया या CIBC चूज़ करता देखा है, मैंने कुछ CIBC लिया था बट आई वुड रिकमेंड यू गाइस स्कॉशिया, स्कॉशिया इज़ मच बेटर, ये कुछ एक सीन कार्ड प्रोवाइड करते हैं जिस पे तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तुम्हारे पॉइंट्स बनते रहेंगे, एंड देन यू कैन मे बी रिडीम अ मूवी टिकट विद दैट, बिकॉज मैं मेरे दोस्तों के पास सीन कार्ड था स्कॉशिया बैंक का, लेकिन CIBC ऐसा कुछ प्रोवाइड करता नहीं है, तो मैं जब मूवी देखने जाता था उनके साथ तो वो साल निकल जाते रहे सीन कार्ड स्वाइप करके जबकि आई हैड टू पे, तो आई वुड रिकमेंड स्कॉशिया बैंक इज़ बेटर देन CIBC। यहाँ पे हिसाब कुछ ऐसा था कि बस के अंदर भी पंजाबी, बस के बाहर भी पंजाबी, बस चलाने वाला भी पंजाबी, बस के ऊपर जो पोस्टर लगा उस पर भी पंजाबी, और जो बस के बस स्टॉप पे पोस्टर लगा उसमें भी पंजाबी, तो भाई साहब मिनी पंजाब तो है जो मर्जी हो। तो भाई अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने टिफ़िन लगवाया था उसका क्या हिसाब है। टिफ़िन का आई पे $220 फॉर अ मंथ, एक वीक में 6 बार आता है, और क्या क्या आता है वो तुम्हें अभी खोल के दिखाई देता हूँ, वो भी आई रखा है मेरा सैटरडे का, लिया है, और इसमें अभी है ये रही पहली सब्जी, ये रही दूसरी सब्जी, आज क्योंकि सैटरडे है तो आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा है, ये रहा दही, ये रहा भाई आज खीर भी आई है, सैटरडे को कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है तो आज खीर आई है, ये वैसे दिनों में नॉर्मल डेज में नहीं आती, ये आज ही आई है बिकॉज आज सैटरडे है, ये वैसे नहीं आती, एंड ये रही इसमें बाकी पड़ी हैं रोटियां। तो भाई ये 8 रोटियां हैं और ये दो सब्जियां होती है, एक सूखी सब्जी होती है, एक गीली सब्जी होती है, एंड रायता होता है और सलाद होता है। तो अगर तुम खुद से पका सकते हो तो आई वुडन्ट रिकमेंड कि तुम टिफ़िन लो, खुद से पका सकते हो तो बहुत बढ़िया, बिकॉज मुझे ग्रॉसरी तो अभी भी लेकर आनी ही पड़ेगी, लगभग मेरी $80 की ग्रॉसरी अभी भी एक महीने की आने वाली है ये 220 का टिफ़िन लगवाने के बाद। तो अगर तुम्हें खुद से पकाना आता है तो खुद का खाना तो खुद का खाना ही होता है, ऐसा नहीं कि टिफ़िन टेस्टी है ना, टिफ़िन भी काफ़ी टेस्टी होता है लाइक खाने की, लाइक कौन सी भी सब्जी है मैं खा तो लेता हूँ, बट फिर भी अगर तुम्हें पकाना आता है तो खुद से पका के ही खाना, टिफ़िन मत लगवा लेना, टिफ़िन लगाने की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर तुम बहुत तुम्हारा काम जो बहुत फिजिकल है, तुम घर आके नहीं पका सकते, थक जाते हो, तो टिफ़िन इज़ अ गुड थिंग, चलो तुम्हें घर आ रहे हो तुम्हें 8 रोटियां मिल रही हैं, 2 टाइम का खाना हो जाता है, 4 टाइम एक 4 रोटियां एक टाइम पे, 4 रोटियां एक टाइम पे। और ऊपर नज़र डाल लेते हैं सब्जियां कौन सी आई हैं, सब्जियां भी दिखाता हूँ तुमको, तो बहुत बढ़िया आई हैं, ये तो राजमा है, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है बिकॉज इसके अंदर एक ये पकौड़ा सा है, तो ये कड़ी पकौड़ा हो सकता है लेकिन इसका कलर कड़ी जैसा नहीं है, और एक कड़ी से ज़्यादा विस्कस भी है। तो बाकी रोटी और सलाद और खीर तो तुमने देखी है, खीर भी बढ़िया लग रही है देखने में, खीर खा के देखते हैं कैसी लग रही है। खीर वॉज फाइन, इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट इट वॉज माई फर्स्ट सैटरडे तो मुझे नहीं पता अगली बार क्या आएगा, मे बी गुलाब जामुन आ जाए या फिर कुछ मे बी मीठे चावल आ जाए। भाई अभी मैं रात को यहाँ पे वॉक करने के लिए आया हूँ, रात की 11 हो रहे हैं इस टाइम पे, और मैंने अभी डिनर जस्ट अपना किया ही है, टिफ़िन मैंने ख़त्म किया अपना, तो अभी मैं रनिंग के लिए निकला हूँ घर से बाहर, और एज यू कैन सी सेफ भी है काफ़ी ब्रैम्पटन, लाइक लोग उल्टा उल्टा बोलते हैं कि इट्स नॉट सेफ वगैरह वगैरह, लेकिन अगर तुम क्राइम रेट की एवरेज निकाल के देखोगे तो इट्स लाइक इट्स वेरी सेफ, इट्स रियली अनलाइकली कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तो एंड 11 बजे भी मतलब चहल पर अच्छी खासी है इस जगह पर, गाड़ियाँ चल रही हैं, इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट इतना मुश्किल है नहीं चीज़ें सेटअप करना यहाँ पे। तुम्हें लग सकता है कि नई कंट्री है वहाँ पे जाके तुम क्या करोगे ये बोल रही है, लेकिन इंडिया से काफ़ी सिंपल है यहाँ पे, बैंकों में लाइनों में नहीं लगना पड़ता, तुम्हें सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट दिखाना, डॉक्यूमेंट दिखाते तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, सिम लेने भी बहुत आसान है, इट्स रियली ईजी ओवर हियर। इंडिया में जितने पेपर दिखाने पड़ते हैं, जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उतनी नहीं है यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि
काफ़ी लोगों ने इंडिया के अंदर अपने एक्सपेंसेस हैंडल नहीं किए होते हैं, इतना बैंकों में चक्कर नहीं लगाए होते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस होता नहीं किसी को। कल मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ टोरंटो, दोस्तों या किसी एक दोस्त के साथ कल जाऊँगा तो सही, मैं बिकॉज मुझे इंस्टा के लिए एक रील भी बनानी है। तो ये वाला लोग मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ अभी, एंड आई थिंक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बिकॉज इट इज़ इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी कुछ बताया मैंने इस व्लॉग में। तो जितना भी मैंने टोटली इस हफ्ते में जो कुछ किया है मैंने यहाँ पर आने के बाद, वो तुम्हें सब कुछ मैंने बता दिया है, तो इन्फॉर्मेटिव तो तुम्हें लगा ही होगा। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड जिसको ज़रूरत हो उसको फिर भेज भी देना।